जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र माह शुक्ल पक्ष वर्ष 2022 एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत विधि के बारे में, पारण समय के बारे में, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जिस प्रकार से अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार से कामदा एकादशी का व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी पाप उसी प्रकार से जलकर भस्म हो जाते हैं। इस व्रत को करने से व्रती के सभी पाप नष्ट होते हैं तथा निकृष्ट योनि से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में किया जाता है। महीने में दो एकादशी का व्रत होता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास या मले मास हो तो दो बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी का व्रत बड़ा ही इसका विशेष महत्व माना गया है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ वह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जा करके फिर इस व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आप अगले दिन जा करके व्रत का पारण करने के बाद फिर चावल ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने वाले को किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। इस दिन किसी के दिए हुए अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए पूर्ण भक्ति और भाव के साथ ही व्रत को करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में किसी भी प्रकार का संदेह हो, संशय हो, तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हुए श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
एकादशी तिथि के दिन इस दिन भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। गीता आदि का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तो एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, उसके बाद फिर जानेंगे एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में। चैत्र माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 12 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार सुबह 4:32 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार सुबह 5:04। सूर्योदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 12 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन कामदा एकादशी व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत का पारण जो कि 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा जो कि पारण का समय दोपहर 1:39 से शाम 4:12 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार कामदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गो घृतेन पारण यानी कि गाय के दूध के घी से इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन यानी कि 12 अप्रैल 2022 को राहु काल का समय जो कि दोपहर 3 से लेकर के शाम 4:35 तक राहु काल का समय है। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र सुबह 8:35 तक, उसके बाद फिर मघा नक्षत्र। इस दिन योग जो कि शूल योग दोपहर 12:04 तक, उसके बाद गंड योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो कि सुबह 5:59 से सुबह 8:35 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। इस दिन रवि योग भी होगा जो कि सुबह 5:59 से सुबह 8:35 तक। एकादशी के व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए भगवान का 2 पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का प्रतिमा या फोटो रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है तो पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले, उसके बाद फिर कलशाधिष्ठात्र देवता का पूजन करें। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंचदेवता का और रात्रि में गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। फिर आदि देवत, प्रत्यादि देवत, विनायक आदि, पंच लोकपाल सहित नवग्रह इंद्राजी दस्तिपाल देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का इस दिन सबसे पहले तो उनका जल से अभिषेक करें, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। आप चाहे तो अलग अलग भी भगवान को सामग्री अर्पित करें, दूध, दही, घी, मद, शक्कर आदि से भगवान को स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें, उसके बाद यज्ञोपवीत भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें। तो भगवान को अक्षत के जगह उन्हें तिल चढ़ाया जाता है तो भगवान को तिल अर्पित करें, काले तिल। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है तो उन्हें तुलसी दल चढ़ाएं और नैवेद्य में भी भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद पुष्प, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करें, चंदन भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन अति प्रिय है तो उन्हें पीला चंदन चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार भगवान को अर्पित करें। दूध से बने हुए मिठाई का भगवान को भोग लगाएं, ऋतु फल आदि भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद भगवान को जल से उनका आचमनी कराएं, उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, फिर भगवान को पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। उसके बाद फिर इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें, माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल माता को अर्पित करें, माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें। उसके बाद माता को अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन अर्पित करें, रोली अर्पित करें।
उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता लक्ष्मी को अर्पित करें, श्रीफल आदि माता लक्ष्मी को अर्पित करें, नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें, उसके बाद फिर कामदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, उसके बाद फिर माता की आरती करें। इसी प्रकार से भगवान का दो समय पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर इस व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।